भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है, विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का मतलब है जहां देश के हर नागरिक को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, डिग्निटी ऑफ लाइफ मिल सके। ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का भी बहुत बड़ा माध्यम है और ये संविधान की भी भावना है। इसलिए बीते वर्षों में देश में लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीते 10 वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है जो बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है जो कई कई पीढ़ियों से बेघर थे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जो बरसों से अपने घर में गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी। हमें आज के जीवन में बहुत आसान लगता है कि घर में नल खोला और पानी आ गया, लेकिन देश में आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे जिनमें नल से जल आता था। करोड़ों लोग तब भी अपने घर में नल से जल का इंतजार कर रहे थे। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल देकर नागरिकों का और विशेषकर महिलाओं का जीवन आसान बनाया है। संविधान की भावना को सशक्त किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की मूल प्रति में भी प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी सभी के चित्र हैं। भारत की संस्कृति के प्रतीक इन चित्रों को संविधान में इसलिए स्थान दिया गया ताकि वो हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग करते रहे। ये मानवीय मूल्य आज के भारत की नीतियों और निर्णयों का आधार है। भारतीयों को त्वरित न्याय मिले इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने थर्ड जेंडर को उनकी पहचान और उनका हक दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमने दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई हैं।